अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने अपना ट्रेड एंड कॉमर्स चैप्टर नंबर 6 जो है कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में, वाइंडिंग अप विद द टॉपिक ऑफ टूरिज्म. टूरिज्म भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, और इस जो वीक की वर्कशीट है वो भी टूरिज्म से रिलेटेड है. मिल गई होगी आप लोगों को, आई होप. तो उसको भी इस लेक्चर में हम लोग करेंगे डिस्कस. और सबसे पहले हम लोग इसकी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो मैं चाह रही हूँ आप लोग करें इसका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. ओपन अप पेज नंबर 60 ऑफ योर बुक्स. हाउ डू एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज सपोर्ट अ कंट्रीज डेवलपमेंट? तो एक कंट्री की डेवलपमेंट को एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज किस तरह और कितनी हद तक सपोर्ट करती हैं? आपको पता है ये दोनों सर्विसेज जो हैं, हेल्थ सर्विसेज भी और एजुकेशन भी, ये दोनों जो है ना किसी भी गवर्नमेंट की हर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्रीज में प्रोवाइड करना अपने सिविलियन को, अपने नेशनल्स को. ये दोनों तरह की सर्विसेज गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती हैं. तो कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑर्बली जो है ना वो गवर्नमेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं ये चीज़ें. तो इसकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं एजुकेशन और हेल्थ सर्विस रिलेटेड, उनकी अच्छा होना और उनका स्ट्रॉन्ग होना किसी कंट्री की डेवलपमेंट को कितना सपोर्ट करता है, ये ज़्यादातर आप लोगों को जो है ना खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे. आप नेट से सर्च कर सकते हैं. दोनों टॉपिक्स को अलग अलग करना है आपने, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के लिए पॉइंट्स जॉट जॉट डाउन करके, और फिर उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर लीजिएगा. बहुत डिटेल्ड आंसर नहीं होना चाहिए. मैंने जो थोड़े बहुत पॉइंट्स निकाले हैं दोनों टॉपिक से रिलेटेड, मतलब एजुकेशन से और हेल्थ सर्विसेज से, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. इनमें से भी आप ले सकते हैं और अपने ओन पे भी लिख सकते हैं. एजुकेशन से रिलेटेड पॉइंट्स कुछ ये हैं. इट इम्प्रूव्स द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, रिड्यूसेस पॉवर्टी, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री. इट डिवेलप्स ऑल फील्ड ऑफ लाइफ, हर तरह की फील्ड्स को डेवलप करती है. एजुकेशन, इंजीनियरिंग, फार्मिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, मेडिसिन, रिसर्चेज होने शुरू हो जाती हैं सारी फील्ड्स में, और हर तरह की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना कंट्री में. अच्छा जी, पीपल गेट स्किल्ड एंड अर्न मोर डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली. अब इनको मजीद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉइंट्स को, अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं. इंटरनेशनली से मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज लोग अर्न करते हैं, फिर वो अपनी कंट्री में सेंड करते हैं, और वो एक फॉरेन अर्निंग हो जाती है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत सपोर्ट करती है वो ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पेमेंट्स में और इस तरह की चीज़ों में. नाउ कम टू हेल्थ सर्विसेज. हेल्थ सर्विसेज बेसिकली मेडिसिन के अंदर जितनी रिसर्चेज होती हैं, इंप्रूवमेंट्स होती हैं, फैसिलिटीज लोगों को मिलती हैं, दैट आर हेल्थ सर्विसेज. इम्प्रूव्ड हेल्थ सर्विसेज रिड्यूस द मोर्टैलिटी रेट इन चिल्ड्रन. आपको पता है जितनी हेल्थ सर्विसेज स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, उतने न्यू बॉर्न जो बेबीज होते हैं लेस देन 2 ईयर्स के, जिनको इन्फेंट्स बोला जाता है, उनमें डेथ रेट कम होना शुरू हो जाता है. किसी कंट्री की मेडिकल स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो इस चीज़ को शो करती है. और डिजीज आउटब्रेक लाइक कि जो अभी कोरोना वायरस वगैरह आया, इसमें कंट्रोल क्विकली कंट्रोल करने लगती हैं गवर्नमेंट्स, और पॉलिसीज उनकी इस तरह की हो जाती हैं कि मेडिकल रिसर्चेस के थ्रू जल्दी जल्दी कंट्रोल होने लगता है जो डिजीज आउटब्रेक होती है. हर थोड़े दिन बाद की एक नई डिजीज निकलती है, लाइक कभी डेंगू आ जाता था हमारा, और अभी ये लेटेस्ट जो है कोरोना है. तो ये जो है ना, इनकी इनमें स्ट्रॉन्ग रिसर्च सिस्टम होना और इम्प्लीमेंटेशन होना, और इसकी वजह से इट गिव्स अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ आ जाती है लोगों में. और डेथ रेट इज डिक्रीज्ड एंड एवरेज लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस. एवरेज लाइफ इंक्रीज होने शुरू हो जाती है. लाइक जापान की जितनी रिसर्च मेडिसिन के ऊपर है, और जितने वो हर्बल के उनके ऊपर रिसर्चेस करते रहते हैं, उसकी बेस पे इनकी सबसे जो अच्छी लाइफ जो है ना एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर है जापान में. 100+ के बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे यहाँ जो है ना लाइफ एवरेज लाइफ जो है ना 65 तक है अभी, ये बहुत कम है पाकिस्तान में. तो गुड हेल्थ बूस्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेस. अब ये मेरी साइड के दिए हुए पॉइंट्स हैं, थोड़ी सी मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग का रिजल्ट है. अब आप लोगों ने खुद से भी सर्च करना है, और नेट से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, इसका अच्छा सा आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का. नाउ कम टू द वर्कशीट. अब ये वर्कशीट जो है ना, ये सारी की सारी टूरिज्म वाले पेज में से बनी हुई है, कहीं और से कोई क्वेश्चन नहीं है. सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा जनरल है, जो नेट बेस्ड है, वो आप खुद करेंगे, बाकी सारा मैं आपको करवा देती हूँ. अच्छा जी, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ टूरिज्म फॉर अ कंट्री? फर्स्ट लाइन है आपकी, ऑफ कोर्स इनकम जनरेशन होती है इससे, एक गवर्नमेंट लेवल पर भी,
और हर डिपार्टमेंट में, एयरलाइन से लेके एक जनरल जो सेलमैन है ना बेचारा, जो छोटी शॉप लेके भी किसी ऐसी जगह पे बैठा हुआ है नारायण का गान में, उसके लिए भी इनकम जनरेशन का सोर्स होती है टूरिज्म। अच्छा जी, व्हाई टूरिस्ट फील अनसेफ टू विजिट पाकिस्तान? या थर्ड लाइन में है, फोर्थ लाइन में? बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इशूज। देन कम्स व्हाट मेक्स आर नॉर्दर्न एरियाज फेमस फॉर टूरिस्ट? ये हमारी फोर्थ या फिफ्थ सिक्स लाइन में है। द नॉर्दर्न एरियाज आर फेमस फॉर संदूर पोलो फेस्टिवल, ब्रेथ टेकिंग माउंटेन्स एंड द ट्रैकिंग एक्सपेडिशंस। ठीक है जी, ये तीनों चारों चीजें आप लोगों ने लिख देनी है। अच्छा जी, देन कम्स विच फेमस हिस्टोरिक प्लेस इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान? द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए आपको इन्होंने बताया था ये हिस्टोरिक खैबर पास जो है, हमारा थर्ड लास्ट लाइन है। इन द नॉर्थ वेस्ट इज द हिस्टोरिक खैबर पास। देन राइट एंड थ्री कल्चरली रिच सिटीज ऑफ पाकिस्तान। अब ये लास्ट टू लाइन्स में बहुत सारी सिटीज हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी और सिटीज हैं जो कल्चरली बहुत रिच हैं, उनमें से कोई से तीन के आपने नाम लिखने हैं। विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज फेमस इन कागान? अब ये जो आपकी पेज नंबर 60 पर बिल्कुल टॉप पर बिल्कुल पिक्चर बनी हुई है, इतनी क्लियर सी लेक सैफुल मलूक इन इन कागान इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो ये लेक सैफुल मलूक इसका आंसर है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, सर्च द नेम ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इन पाकिस्तान टू सपोर्ट टूरिज्म। अब ये आप नेट पर से सर्च करेंगे, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं और प्राइवेट भी हो सकती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी है, PTDC पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टूरिज्म फाउंडेशन है जी, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान जो है इनके अंडर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं। आपने कोई सी दो या तीन के ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख देने हैं। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लेना है, और ये वर्कशीट भी करके सबमिट करवा देनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।